देश के लिए बड़ी खुशखबरी, जम्मू कश्मीर से आई खबर, मिल गया लिथियम का खजाना। भारत में पहली बार लिथियम का विशाल भंडार मिला है। यह विशाल भंडार जम्मू कश्मीर के रिहायशी जिले में मिला है। अगर मात्रा की बात करें तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने लिथियम के 69 लाख टन होने की बात कही है। इसके साथ ही भारत लिथियम के भंडारण में दुनिया का तीसरा बड़ा देश हो गया है। लिथियम के इतने बड़े भंडार मिलने के बाद तमाम बातें चर्चाओं में आ गई हैं। चर्चा यह भी की जा रही है कि विशाल भंडार मिलने के बाद अब आगे क्या होगा। आगे की बात जानने से पहले यह भी जान लें कि लिथियम को सफेद सोना भी कहा जाता है। साथ ही इस खबर से जहां एक तरफ भारत की तकदीर खुल गई है, वहीं पड़ोसी देश चीन की नींद उड़ गई है। चीन की नींद उड़ने का कारण भी है क्योंकि लिथियम एक अलोह धातु नॉन फेरियस मेटल है। यह इलेक्ट्रिक वाहनों EVS की बैटरी में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख घटकों में से एक होता है। न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार जम्मू कश्मीर के खनन सचिव अमित शर्मा ने बताया है कि GSI द्वारा किए गए G3 एडवांस अध्ययन में पता चला है कि माता वैष्णो देवी तीर्थ की टहलती में बसे सलाल गांव रिहायशी जिले में मौजूद लिथियम भंडार उच्च गुणवत्ता का है। बता दें कि भारत लिथियम के लिए अभी तक दूसरे देशों पर निर्भर है, लेकिन माना जा रहा है कि अब लिथियम मार्केट में बड़ा उलटफेर कर सकता है। लिथियम एक ऐसा मेटल है जिसका इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक वाहनों समेत कई अलग अलग चीजों के लिए चार्जेबल बैटरी बनाने के लिए किया जाता है। भारत को लिथियम के भंडार मिलने से इसीलिए फायदा होगा क्योंकि भारत 96% लिथियम दूसरे देशों से आयात करता है। भारत को इतने बड़े मात्रा में लिथियम के आयात के लिए काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। इस विशाल भंडार से भारत न केवल अपने इसे बड़े खर्च को बचा सकता है बल्कि अपनी जरूरतों को भी पूरा कर सकता है। साथ ही भारत दूसरे देशों में यह निर्यात कर सकता है। अभी तक भारत लिथियम का आयात चीन और हांगकांग से करता रहा है। लिथियम के लिए चीन पर भारत की निर्भरता की बात करें तो यह 80% है, लेकिन अब भारत में लिथियम में विशाल भंडार मिलने के बाद चीन पर लिथियम के लिए भारत की निर्भरता खत्म हो जाएगी। भारत में मिला सफेद सोने का भंडार चीन की कुल भंडारण के 4 गुना अधिक है। इससे माना जा रहा है कि लिथियम मार्केट में अब चीन का एक शत्र राज खतरे में आ जाएगा। गौरतलब है कि चीन ने साल 2030 तक 40% इलेक्ट्रिक कारों का लक्ष्य तय किया है। दुनिया में उपयोग की जाने वाली 10 लिथियम बैटरियों में से 4 चीन में उपयोग होती हैं। इसके उत्पादन की बात करें तो चीन अन्य देशों की तुलना में काफी आगे है। लिथियम बैटरियों का 70% तक का उत्पादन अकेले चीन में होता है। अब भारत में विशाल लिथियम के भंडार से लिथियम मार्केट में चीन का दबदबा खत्म हो जाएगा। आपको कैसी लगी ये खबर, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा।